हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुवाहाटी के एक फेमस पार्क जिसका नाम है नेहरू पार्क। नेहरू पार्क का लोकेशन है पान बाजार गुवाहाटी, कॉटन यूनिवर्सिटी रोड। पार्क के सामने ये सब खाने का स्टॉल भी लगता है और यहाँ का मोमो बहुत टेस्टी था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। ये पार्क गुवाहाटी का बहुत पुराना पार्क है, 2004 में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन अभी अभी इसका फिर से मेकओवर हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेहरू पार्क अभी कैसा दिखता है। वीकेंड्स पर यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है, आज सैटरडे है तो इसलिए यहाँ पर बहुत लंबा लाइन है और टिकट प्राइस है 30 रुपीज पर पर्सन। पार्क में एंटर करते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ बच्चों के साथ एक प्रतिमूर्ति यहाँ पर बनाया गया है। हम लोग एंटर करते करते इवनिंग हो गया था। पार्क का टाइमिंग है 10 AM से 8 PM तक और हम लोग 6 PM को यहाँ पर एंटर किए थे, तो यहाँ पर लाइट भी जल गया है। यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी है जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और वॉकिंग पाथ बनाया गया है, चारों तरफ लोग वॉक कर सकते हैं, बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं। बैठने के लिए भी बहुत सारे जगह है यहाँ पर और ये एक बहुत बड़ा पिलर जैसा बनाया है और ऊपर है अशोक स्तंभ। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पर अच्छा एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर पार्क के साइड में सेस बोर्ड भी रखा है, यहाँ पर सीनियर पर्सन और बड़े लोग भी एंजॉय कर सकते हैं सेस खेल के, और बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं। पार्क से निकलने के बाद हम लोग दिखोली पुखरी के सामने जो स्ट्रीट फूड गली है वहाँ पर गए थे। गुवाहाटी के फेमस स्ट्रीट फूड गली है ये, यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है और बहुत सारे स्ट्रीट फूड यहाँ पर मिलता है। मैं स्पेशली ये स्ट्रीट फूड गली पर आई हूँ क्योंकि मुझे खाना था वो वायरल स्पाइरल पोटैटो जो एक कपल बिकते हैं, और उन लोगों का स्टॉल मैं ढूंढे ढूंढे बहुत अंदर तक आई और अंदर आके मुझे मिला ये स्पाइरल पोटैटो का शॉप। और कपल का तो आज मुझे हस्बैंड को ही दिखा, इन्होंने ये स्पाइरल पोटैटो का शॉप देखे ही बहुत वायरल हो चुके हैं गुवाहाटी असम में। इन लोगों के शॉप में बहुत भीड़ रहता है जनरली और इन लोगों का वीडियोज़ भी बहुत वायरल हो चुके हैं इंटरनेट में पहले ही, और मैं आज फर्स्ट टाइम इन लोगों के शॉप में आई हूँ स्पाइरल पोटैटो खाने के लिए। अभी भी यहाँ पर बहुत भीड़ है तो मेरा नंबर आया नहीं है अभी तक, तो मैं वेटिंग पर हूँ। यहाँ पर आके मुझे पता चला अभी जो वायरल कपल है वो लोग का स्पाइरल पोटैटो का शॉप तो है ही और एक कुल्लर पिज्जा का भी शॉप उन लोगों ने खोला है और वो थोड़ा आगे है, तो पहले मैं स्पाइरल पोटैटो एंजॉय करती हूँ उसके बाद मैं वहाँ पर भी जाऊँगी। और जो सिंपल मसाला स्पाइरल पोटैटो है उनका प्राइस है 50 रुपीज और सीस पोटैटो का 70 रुपीज, कुछ अलग अलग ऐसे प्राइस है। लोग वायरल चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं और मैं भी वही वायरल पोटैटो खाने के लिए यहाँ पर बहुत टाइम से रुकी हुई हूँ, लेकिन इसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैं 10 में से 5 मार्क्स ही दूंगी क्योंकि इसका पोटैटो इतना क्रिस्पी नहीं था और हाफ कुक जैसा मुझे लग रहा था, क्योंकि ये जल्दी जल्दी सर्व कर रहे हैं और इतना अच्छे से उन लोगों ने फ्राई नहीं किया है। तो मैं स्पाइरल पोटैटो पहले भी खा चुकी हूँ बहुत बार और वो क्रिस्पी होता है तो बहुत टेस्टी रहता है, लेकिन ये बिल्कुल ही क्रिस्पी नहीं था। तो मैं बोलूँगी कि आप लोग वायरल पोटैटो खाने के अलावा और दूसरे भी कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर गली में बहुत सारे फूड स्टॉल है। और आजकल कोरियन बोबा ड्रिंक्स भी बहुत फेमस है और यहाँ पर भी कोरियन बोबा ड्रिंक्स मिला, तो हम लोगों ने भी एक मैंगो बोबा लिया था यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग आ गए कुल्हर पिज्ज़ा शॉप पर जहाँ पर मनीषा ये काम करती है, कुल्हर पिज्ज़ा बनाती है और प्लेन पिज्ज़ा भी है यहाँ पर। मैंने भी एक कुल्हर पिज्ज़ा और एक प्लेन पिज्ज़ा का ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर मनीषा पिज्ज़ा बना रही है, ये लोग वेजिटेबल पिज्ज़ा, चिकन पिज्ज़ा, पनीर पिज्ज़ा और ऐसे कुछ अलग अलग पिज़्ज़ा बनाते हैं। स्ट्रीट में जो पिज़्ज़ा बेस के साथ पिज़्ज़ा बनाते हैं वही पिज़्ज़ा है यहाँ पर, तो ये ब्रेड पिज़्ज़ा है।
कुल्हर पिज्जा का प्रोसेस भी मैंने देख लिया था, वही ब्रेड को एक कुल्हर पर तोड़ के डालते हैं और उसके ऊपर चीज और जो जो इंग्रेडिएंट रहता है पिज्जा का सब डाल देते हैं और उसको तंदूर में उसको बेक होने देते हैं। तो वही हो गया कुल्हर पिज्जा। और यहाँ पर पिज्जा का प्राइस है 100 रुपीस पर पिज्जा। और पिज़्ज़ा मुझे टेस्टी लगा, बहुत अच्छे से बनाया है और इसका टेस्ट और क्वालिटी बहुत अच्छा था। स्पाइरल पोटैटो से ज़्यादा मुझे ये कुल्हर पिज़्ज़ा लगा क्योंकि इसका क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, मनीषा के शॉप पर भी और मानस के शॉप पर भी बहुत भीड़ था। तो मेरे तरफ से बेस्ट विशेष रहा ये वायरल कपल को, आप लोग तरक्की करो और आगे बढ़ो और अच्छा अच्छा खाना सर्व करो लोगों को। और ऐसे ही हम लोगों ने गुवाहाटी स्ट्रीट फूड एंजॉय किया था। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।